Hey guys, हमारे देश इंडिया में जीन्स पहनना बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है। चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, किसी भी प्रकार का वेदर हो, जीन्स तो भाई पहनने ही पहनने। एंड यार ठंडी गर्मी तो छोड़ो यार, लोग एज की भी फिक्र नहीं करते कि भाई चलो बुड्ढे हैं तो क्या जीन्स पहनेंगे, बुड्ढे बुड्ढे लोग भी जीन्स पहन रहे हैं। तो यार हम तो बड़े हैं ना, हमें तो और स्टाइलिश जींस पहनने चाहिए और मतलब डिजाइनिंग जींस पहननी चाहिए। तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक से एक डिजाइनिंग जींस के बारे में बताने वाला हूँ, एंड स्टाइलिश एंड ट्रेंडली जींस के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि मतलब अभी ट्रेंड में थी, पहले भी ट्रेंड में थी एंड आगे भी ट्रेंड में रहने वाली है। एंड आगे कौन कौन से ट्रेंड आने वाले हैं उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कि पहले भी ट्रेंड में थी, अभी भी ट्रेंड में और आगे भी कई सालों तक ट्रेंड में रहने वाली है, वो आ जाती है एक फुल्ली ब्लैक जींस, प्योर ब्लैक जींस, जैसे कि आप लोग सामने देख पा रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा सही लगती है। आप इसके संग अनलिमिटेड आउटफिट्स भी तैयार कर सकते हो। अगर आप मुझे मेरे इंस्टा पे फॉलो कर दोगे तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पे मैंने एक ही जींस ब्लैक जींस के संग कई सारे आउटफिट्स तैयार कर रखे हैं एंड कई सारी फोटोज भी क्लिक करवा रखी है। सो अगर आप लोग भी कई सारे आउटफिट्स तैयार करना चाहते हो केवल एक ही ब्लैक जींस के संग, तो आप लोग तैयार कर सकते हो। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आ जाती है ब्लू जींस। अब यार मैक्सिमम लोग के ना वार्डरोब में ब्लू जींस होना तो कॉमन ही होता है, कई लोगों के पास ब्लू जींस होती है। सो अगर आप लोग भी प्लेन ब्लू जींस लोगे ना तो वो भी आप लोगों के ऊपर बहुत सही लगने वाली। हाँ मतलब थोड़े पैटर्न वगैरह भी बने हो तो वो भी बहुत ज्यादा सही लग सकते हैं, लेकिन अगर आपके वार्डरोब में ब्लू जींस नहीं रहे ना तो यार ज्यादा मजा नहीं आएगा। इसलिए अगर आप अपने वार्डरोब में ब्लू जींस रखना चाहते हो तो रख सकते हो, आप लोग काफी स्टाइलिश एंड फैशनेबल बनाने में मदद कर सकती है। एंड जो नेक्स्ट है वो आ जाती है प्योर व्हाइट जींस। भाई प्योर व्हाइट जींस का भी जमाना है, बहुत ज्यादा सही लगती है, आप इससे कई सारे आउटफिट्स भी बना सकते हो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप लोगों ने मेरी कई सारी पिक्स भी देखी होगी व्हाइट जींस के ऊपर, मतलब। सो अगर आप लोग व्हाइट जींस बाय करते हो ना तो आप लोग उसके संग भी कई सारे आउटफिट्स तैयार कर सकते हो। सो ये सब तो कॉमन प्लेन कलर। अब हम बात करें तो कुछ थोड़ा सा स्टाइलिश जींस के बारे में, स्टाइलिश पैंट्स के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट है वो आ जाती है जिपर पैंट। अब जिपर क्या, मतलब दिखने में तो ब्लैक ही रहेगी लेकिन उसकी नीज पे ना जिप लगी रहेगी। अगर आप लोगों को डैमेज पैंट पहनने का मन है तो उसकी जिप खोल लो, बन जाएगी डैमेज पैंट। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई कोई बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो कहेंगे कि भाई कैसे कपड़े पहने, तो आप लोग उसकी जिप बंद कर सकते हो एंड बन जाएगी वो सिंपल सी प्लेन पैंट, जो कि बहुत ज्यादा सही लगती है। सो अगर आप लोग जिपर पैंट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, ये आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आते हैं फोर जिपर पैंट। एक्चुअली ये थी टू जिपर पैंट, मतलब आप लोगों के सिर्फ नीज पे ही दो जिप रहेंगे, किस वाली नीज पे, किस वाली नीज पे, लेकिन ये फोर जिपर है, आप लोगों की थाई पे भी जिप रहने वाली है, जो कि बहुत ज्यादा सही लगता है एंड आप लोगों को कूल एंड अट्रैक्टिव लुक देने में मदद करता है। सो अगर आप लोग ये वाले भी बाय करना चाहते हो ना पैंट, तो आप लोग बाय कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग चेक कर सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, जहां पे आप लोगों को बजट में बैठे आप लोग वहां से बाय कर सकोगे। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आ जाती है ब्लैक रिप्ड जींस। अब यार मैक्सिमम लोग जो है ना ब्लैक जो जींस होते हैं ना, कई लोग घर में ब्लैक जींस होती है पुरानी हो जाती है, उसे फेंकने से अच्छा है ना उसे रिप्ड कर लो, भाई बहुत ज्यादा सही रहने वाले। एक्चुअली मेरे पास खुद एक खराब पैंट थी, मम्मी ने पूछा कि तू पहनेगा या इसे मैं फेंक दूं, मैंने कहा मम्मी रुक जाओ मुझे इसको रिप्ड पैंट बनानी। मम्मी कह रही है रिप्ड क्या होता है, मैंने कहा आप छोड़ो ना आप इसे रख दो मैं रिप्ड बना लूंगा। मैंने क्या ब्लेड से उसे काट दिया एंड उसको थोड़ा सा अच्छे से चाकू से अच्छे से रिप्ड कर दिया, भाई जो कि मतलब बहुत ज्यादा टॉप लेवल की रिप्ड पैंट जो मेरी बन गई थी, आप लोग सामने फुटेज देख पाओगे, जो कि मतलब बहुत ज्यादा सही रिप्ड पैंट मेरी बन गई थी। अगर आप लोग भी ऐसे बनाने चाहते हो तो आप लोग बना सकते हो, बहुत ज्यादा सही लगेगी। एंड यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा कार्गोस के बारे में। एक्चुअली कार्गोस भी अगर आप पहनते हो ना तो भाई बहुत ज्यादा सही लगने वाला है, अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल पे आप लोगों के लुक को लेके जाने वाला है। मैंने कई लोगों को देखा है कार्गोस तो पहनते हैं लेकिन वो ना मतलब बेढंगी तरीके से पहनते हैं, उसका कोई सेंस ही नहीं होता और ना कोई स्टाइल होता उन कार्गोस में, लेकिन मैं आप लोगों को जो स्टाइल बताने वाला हूं ना वो बहुत ज्यादा सही होने वाले हैं। सो पहला जो वो आता है आर्मी वाला कार्गो, जैसे कि आप लोग देख पाओगे ये वाला कार्गो जो है ना भाई बहुत ज्यादा सही है एंड आप लोगों ने कुछ कुछ लोगों को देखा होगा पहनते हुए, बट जो आर्मी लवर्स है ना भाई वो तो इस पैंट को जरूर पहनते हैं। सो अगर आप लोग भी इसको पहनना चाहते हो तो पहन सकते हो। जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आता है वो भी एक कार्गो ही है, लेकिन कार्गो में कई सारे टाइप्स आते हैं। आप लोग देख पाओगे इस वाले का कलर चारकोल ग्रे है लेकिन जो बहुत ज्यादा सही लग रहा है। अगर आप इस वाले पैंट को भी पहनना चाहते हो तो आप लोग पहन सकते हो, इसमें पॉकेट वगैरह का आप इसका डिजाइन देख सकते हो जो कि बहुत ज्यादा सही है। और आप लोग ये वाला भी देख पाओगे, एक्चुअली ये भी ग्रे टाइप का है एंड ये वाला भी बहुत ज्यादा बॉम लगता है। सो अगर आप लोग इसे भी बाय करना चाहते हो ना तो आप लोग इसे भी कर सकोगे। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आते हैं बैड बॉय की पैंट्स। आप लोगों में से कौन कौन बैड बॉय है प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन यार अपने अंदर बैड बॉय की क्वालिटी तो डालो, साथ में थोड़ा सा लुक को भी बैड बॉय बनाओ। यार आप लोग सामने पैंट देख पाओगे यार ये वाली जो जींस है ना वो भी बैड बॉय से रिलेट करती है, जो कि बहुत ज्यादा सही है। एक्चुअली इसके नीज पे बैड एक जगह लिखा हुआ है और एक जगह बॉय लिखा हुआ है, जो कि दिखने में आप लोग काफी कूल लुक देने वाली है एंड आप लोगों को बहुत ज्यादा बॉम लग सकती है। अगर आप इस जींस को वेयर करते हो तो इन गर्मियों में या ठंडियों में वेयर कर सकते हो, मतलब जो कि आप लोगों के लुक को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने वाली है। अगर आप इस जींस को बाय करने वाले हो तो
आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आ जाती है ब्लैक डेनिम जींस। अब यार देखो, वो तो जो मैंने आप लोगों को बताई है वो रिप्ड पैंट होती है, एंड ये वाली जो है ये डैमेज पैंट होती है, जो कि बहुत ज्यादा सही लगती है। डैमेज मतलब डेनिम पैंट इसे बोल सकते हैं, वो फटी फटी सी रहती है। आप लोगों ने कई लोगों को देखा भी होगा, जो कि बहुत ज्यादा सही लगती है। अगर आप इसे भी पहनना चाहते हो ना तो पहन सकते हो। जैसे लाइक मैंने जेडन वगैरह को देखा इसे पहनते हुए भाई, जो कि मतलब बहुत ज्यादा रॉक करते हैं इस जींस में। सो अगर आप लोग भी इस जींस को बाय करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। अगर ये ऑनलाइन कहीं पर भी अवेलेबल होगा ना तो इसकी लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप इसे वहां से जाके आराम से बाय कर सकोगे। और इसी के साथ हमारे पास एक और जींस आ जाती है, ब्लू डिजाइनिंग जींस। आप लोग सामने देख पाओगे, एक्चुअली ये वाले भी मेरे पास पड़ी थी, बट मैंने सोचा कि ना इसको भी इस लिस्ट में डाल लिया जाए, बिकॉज यार ये वाला जो लुक है ना, ये जो पैटर्न है, ये अल्टीमेट एंड नेक्स्ट लेवल का पहुंचा देता है। मतलब यार कब तक सादी ब्लू जींस पहनते रहोगे, उसमें कुछ डिजाइन तो आप लोगों को चाहिए ना। तो ये डिजाइन आप लोग बाय कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा सही है। एंड यार आप लोग इसके संग थोड़ा सा शॉर्ट वगैरह पहनोगे ना फिटिंग की, तो आप लोग और ज्यादा बॉम एंड रॉक करने वाले हो। एंड इस लिस्ट की जो हमारे पास आखिरी एंड लास्ट पैंट है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, वो आ जाती है व्हाइट रिप्ड जींस। मतलब रिप्ड नहीं कह सकते हम, डेनिम कह सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सही है। आप लोग बगल में इमेजेस वगैरह भी देख पाओगे, जो कि मतलब बहुत ज्यादा सही आप लोगों को लुक दे देती है। सो अगर आप इस टाइप की भी बाय करना चाहते हो ना तो आप लोग बाय कर सकते हो। ये रिप्ड तो है, साथ में आपको बैड बॉय का लुक भी देगी, एंड आप लोग इससे अनलिमिटेड आउटफिट्स भी तैयार कर सकोगे। तो दोस्तों बस मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो आप लोग कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कर देना अपने भाई के प्यार से छोटे से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ। इस वीडियो में आपको कुछ भी ना समझ में आए हो तो आप मुझे भाई कमेंट कर सकते हो, इसका रिप्लाई मैं आप लोगों को जल्द से जल्द एंड जरूर देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।